चार अफेयर और एक शादी, फिर भी अकेली हैं ये फेमस एक्ट्रेस। जानिए हैं कौन बॉलीवुड में फिल्मों की दुनिया की कहानी जितनी अच्छी होती है उतनी ही बॉलीवुड के कलाकारों की कहानी भी बेहद दिलचस्प होती है। बॉलीवुड में आए दिन हमें किसी ना किसी अभिनेता अभिनेत्रियों के अफेयर्स की खबरें मिलती रहती है। बॉलीवुड में रिश्ता जितना जल्दी जुड़ता है उतना ही जल्दी टूट भी जाता है। आज हम आपको एक ऐसी की अभिनेत्री की दिलचस्प कहानी बताने वाले हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं उस एक्ट्रेस के बारे में। आज हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं वो बॉलीवुड की मशहूर कलाकार पूजा बेदी है, जो फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्ट्रेस है। पूजा की मां प्रतिमा बेदी इंडियन क्लासिकल डांसर थीं। हालांकि पूजा का फिल्मी करियर बहुत अच्छा नहीं रहा। पूजा बेदी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत आमिर खान की फिल्म जो जीता वही सिकंदर से की थी। आपको पूजा बेदी 47 साल की एक एक्ट्रेस और पूजा का अब तक 5 लायकों के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है और एक शादी भी कर चुकी है, लेकिन आज तक पूजा को सही जीवन साथ नहीं मिल पाया जिसकी वजह से पूजा आज भी सिंगल हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन से वे 5 लोग हैं जिनके साथ पूजा अब तक रिलेशनशिप में रह चुकी है। आदित्य पंचोली। सबसे पहले तो इस लिस्ट में नाम आता है बॉलीवुड के फेमस एक्टर आदित्य पंचोली का। आदित्य पंचोली जो कि अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं, वो और ये पूजा से काफी समय से अच्छे दोस्त थे। इसके बाद आदित्य पूजा अपनी रिलेशनशिप में हैप्पी थे, लेकिन इनके रिलेशन उस समय बिगड़ गए जब पूजा की ही 15 साल की मेड ने उन्हें बताया कि फिल्म में रोल दिलवाने का भरोसा दिखा। आदित्य ने उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए थे और इस बात का पता जब पूजा बेदी को लगा तो उन्होंने आदित्य पंचोली से अपना रिश्ता तोड़ दिया था। फरहान फर्नीचरवाला और पूजा बेदी। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा और फरहान 3 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 1990 में फरहान इब्राहिम फर्नीचरवाला से शादी की। इस शादी से उनके 2 बच्चे हैं। फरहान और पूजा साल 2003 में इनका तलाक भी हो गया और ये दोनों अलग हो गए। हनी फिलहाल। फरहान फर्नीचरवाला से तलाक होने के बाद पूजा बेदी फिर से प्यार में पड़ी। पूजा ने कोरियोग्राफर हनी फिलहाल को डेट करना शुरू किया, जिनके साथ वह नच बलिए टीम में बतौर पार्टनर हिस्सा लिया था। द्विती विक्रमादित्य। हनी फिलहाल के साथ ब्रेकअप के बाद द्विती विक्रमादित्य के साथ भी पूजा बेदी का रिलेशनशिप चलना शुरू हो गया था। इन दोनों ने शादी का भी प्लान बना लिया था, लेकिन द्विती विक्रमादित्य के घर वाले ने इस शादी के लिए राजी नहीं हुए। तकरीबन 2 साल डेट करने के बाद दोनों का भी ब्रेकअप हो गया। आकाशदीप सहगल के साथ पूजा बेदी। पूजा और आकाशदीप के अफेयर के बारे में बिग बॉस सीजन 5 के दौरान इन दोनों की खबरें आई थी और शो खत्म होने के बाद इनकी रिलेशनशिप और भी मजबूत होती गई। इतना ही नहीं, इस एक्टर ने अपने बायोसेप्स पर पूजा के नाम का टैटू तक बनवा लिया था। हालांकि पूजा का ये रिश्ता भी ज्यादा लंबा नहीं चल पाया और पूजा इनसे अलग हो गई।